आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या देखना है, हमने कैल्शियम आयन का रोल पढ़ना था कि कैल्शियम आयन किस तरह मसल कंट्रैक्शन जो है उसमें किस तरह क्या करता है, उसका रोल क्या है, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है। उसको देखने से पहले आपको उसके हम एक मसल फाइबर है उसको हम डाइसेक्ट करके देखते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट हैं। आप पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं लेकिन फिर से देख लें, ये जो लेयर है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा हमारे पास है, सार्कोलेमा क्या होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, इन्वेजिनेट होके क्या बनाती है, ट्यूब्यूल्स बनाती है, ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है ये असल में प्रोजेक्शन है, इनवर्ड प्रोजेक्शन है किसकी, सार्कोलेमा की, सार्कोलेमा ही है जिससे क्या बनी, ट्यूब्यूल्स बनी, इनको टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते होते हैं। टी ट्यूब्यूल आपको नाम आने चाहिए, नाम याद होंगे तभी आप समझ सकते हैं कि लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो ब्लू सा है ये क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, किस तरह डिफरेंट होता है, एक तो इस पे राइबोसोम नहीं होते होते, ठीक है, ये राइबोसोम नहीं होती, ये सिर्फ कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करता होता है। अच्छा, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नाम है इसको, SRV पढ़ते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा ये हमारे पास क्या था, ये मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल किससे बना था, मायोफिलामेंट से, जो कि थिन और थिक क्या है, फिलामेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। और उसके नीचे ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो नीचे शो हो रहे हैं ये क्या बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। अब हमने देखना है कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कैल्शियम आयन हर टाइम रिलीज नहीं होता होता। कैल्शियम आयन क्या होता है, अगर कैल्शियम आयन हर टाइम रिलीज हो रहा होता तो क्या होता, होना ये था कि मसल हमारा ऑटोमेटिकली हर टाइम खुद बहुत क्या हो रहा होता है, कंट्रैक्ट कर रहा होता, खुद बहुत, अगर मेरा जो बाइस है खुद बहुत कंट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो ये हर टाइम ही हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो हर टाइम कैल्शियम, इसका मतलब है कैल्शियम आयन क्या एक स्टॉपर है, कैल्शियम आयन क्या करता होता है, इनिशिएट करता होता है या उसको रोक के रखता होता है। अब कैल्शियम आयन कब रिलीज होता होता है, कैल्शियम आयन कब रिलीज, फर्स्ट करें मैंने क्या किया, मोबाइल उठाना है अपना, मोबाइल उठाना था, या इस मोबाइल को मैंने उठाना था तो मेरे ब्रेन ने क्या किया, एक इम्पल्स भेजा मोटर न्यूरोन के थ्रू, और वो टी ट्यूब्यूल से होता हुआ आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस इम्पल्स के आने के बाद क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपको याद है, अगर आपने नहीं देखा एक दफा देख लें उसके बाद यहाँ पर आइएगा। हमने क्या पढ़ा, कैल्शियम आयन कहता है थिन फिलामेंट्स में क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है उसके साथ अटैच होता है, जब साथ अटैच होता है तो जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो क्या होती है, एक्सपोज होती है, जब बाइंड साइट एक्सपोज होती है तो मायोसिन हेड क्या होते हैं वहां पर अटैच हो जाते होते हैं, जब मायोसिन अटैच होते हैं हमारे पास तो क्या होती है, ब्रिजेस बनते हैं और क्या होती है, कंट्रक्शन होती है, कंट्रक्शन होती है, मूवमेंट होती है। तो कैल्शियम आयन कब रिलीज होगा, जब ब्रेन इंपल्स करेंगे, और ब्रेन कब करता है, जब हम खुद चाहेंगे, ठीक है, इसीलिए ये जो मसल है स्केलेटल मसल, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारे इख्तियार में होते हैं, ठीक है, जो हम इनवॉलेंट्री जैसे कार्डिक मसल्स हैं उनको क्या होता है, उसमें इस तरह की वो ऑटोमे स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। तो ये जो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि ब्रेन क्या करेगा, एक उसको एक वो है स्कीमेटिक डायग्राम से देख ले, ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक इम्पल्स क्या करेगा, सेंड करेगा, वो जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी, स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल में हमारे पास जो फेसिकल्स हैं, जो मसल फाइबर्स हैं उसमें क्या होते हैं, टी सिस्टम है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल उनके पास आती है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स किससे अटैच होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, SR के साथ अटैच होती है। SR क्या करता होता है, कैल्शियम आयन को भी क्या करता होता है, रिलीज करता होता है, और कैल्शियम आयन क्या होता है, थिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच हो जाता है, और उसकी कंट्रक्शन क्या होती है, कंट्रक्शन होती है। तो ये अगर आप याद कर लें ये सीक्वेंस, तो आपको जो बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, आपको वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, मसल कंट्रक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है इसको हम जो ब्रेन वाला चैप्टर है न्यूरॉन्स वाला उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से आप देखें जो इम्पल्स है वो क्या हुई है, वो आ गई है हमारे पास टी ट्यूब्यूल के अंदर, ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल है, और टी ट्यूब्यूल से होती हुई क्या होती है, वो
वो अटैच होती होती है। इसने एक वर्ड यूज किया है ट्राई एड, ठीक है, ट्राई एड का उसने वर्ड यूज किया है, ये रहा। ट्राई एड का पता होना चाहिए आपको, ट्राई एड क्या होता है। ट्राई एड ये देखिए, ट्राई एड क्या होता है कि दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसे क्या होते हैं, सिस्टर नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था सिस्टर नहीं होते हैं। दो सिस्टर्नी के दरमियान में क्या होता है, एक ट्यूब्यूल होती है। ये तीनों मिलकर ट्राइड बनाते हैं, तीन तीन का एक क्या बना लेते हैं, एक पैकेज से बना लेते हैं, इसको ट्राइड बोलते होते हैं। तो उसके बाद जो सिग्नल था, नर्व इम्पल्स होती है, वो क्या, टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल से एसआर में आती है, एसआर से कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, जो कि साइटोप्लाज्म की सिस्टोल में। सिस्टोल क्या होता है, हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, और उससे होते हुए क्या होता है, वो आपके पास बाइंड उसके फिलामेंट, थिन फिलामेंट से अटैच होती है, थिन फिलामेंट मायोसिन क्या होती है, उससे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उससे पहले एक वीडियो देखना है, वीडियो आपको अच्छी तरह क्लियर कर देगी कि ये क्या चल रहा है। ब्रेन जो है, ये वीडियो देखना आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। ब्रेन है, इस तरीके के मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक नर्व इम्पल्स के सेंड किए हमारे स्केलेटल मसल को। यहाँ पर ये भी बाइसेप की बात हो रही है, ठीक है। और मसल फाइबर्स में क्या होते हैं, फाइबर्स के दरम्यान में होते हैं टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो इम्पल्स है, ये जाएगी टी ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। आपको नजर आ रहे होंगे ये जो ग्रिड से बने हुए, ठीक है, ये येलो येलो से, ये देखें इम्पल्स टी ट्यूब्यूल में क्या होगी, सेंड्स के अंदर क्या हो रही है, प्रोपगेट कर रही है। इनके दरम्यान में आपको नजर आ रही है जिसमें सुराख हुआ हुआ है, पोरस से जो है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और टी ट्यूब्यूल से क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिग्नल जाएगा, वो कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कैल्शियम आयन जब रिलीज होगा तो क्या होगी, मसल की कंट्रेक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। ये ट्राइड आ गया हमारे पास, ये तीन जो थे सिस्टर्नी जो है, और एक क्या ट्यूब्यूल जो है हमारे पास, उनकी क्या बनता होता है, ये कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम आयन से क्या होगा, ये मसल कंट्रेक्शन होगी। ये मसल कंट्रैक्ट किया, या मसल कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, हमारे पास फ्लेक्शन होगी। अभी आप देख सकते हैं, और ये कंट्रैक्ट कर गया, ठीक है। सिंपल सा है, आप इसको एक बार देख लें और आप लोगों को खुद ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा।